हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। आज हम गुडविल के ही कंटिन्यू रखेंगे, लेक्चर नंबर 2 है ये। और इस कल तक हमने सिंपल एवरेज मेथड का क्वेश्चन किया था, आज हम वेटेड एवरेज मेथड का क्वेश्चन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर, आपको वेटेड एवरेज अप्लाई करना। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है, 13, 17, 18, 19, 20 और 21 का प्रॉफिट हमें गिवन है। और वेटेज गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको ये नहीं गिवन है और वेटेड से करना है, तब भी 1, 2, 3, 4, 5 ही लेनी है आपने। मतलब जितने ईयर का प्रॉफिट है उतने तक का आप वेटेज ले सकते हो। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया है एन एबनॉर्मल लॉसेज ऑफ, सीधी सी बात एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, प्लस 50,000 इनकर्ड इन ड्यूरिंग द ईयर 2017। मतलब इस ईयर में आपने 50,000 प्लस कर देना है। दूसरा है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं हमारे, माइनस 30,000 किस ईयर में, 31 मार्च 2018। मतलब इस ईयर में आपकी 50,000 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद है रिपेयर ए कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2020। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक कार की रिपेयर हुई है 40,000 की, था खर्चा रेवेन्यू का, लेकिन उनको गलती से व्हीकल अकाउंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया गया है। तो आपने क्या करना है, तो जिस ईयर में है उस ईयर में आपने इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस करना है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था रेवेन्यू। इस वजह से रेवेन्यू जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं P&L में लेस होते हैं, तो यहाँ से माइनस होना चाहिए था। उसके साथ एक और गलती कर दी कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी उसे एज अ व्हीकल मान के 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन भी 2.5 साल की जब से खरीदा है 1 जनवरी से लेके 2020, और हमारा काउंटिंग पीरियड जो भी क्लोजिंग प्रॉफिट ईयर जो है 31 मार्च 2021 तक, आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते रहे। तो डेप्रिसिएशन रॉन्गली आपने माइनस करी है, क्योंकि वो व्हीकल ही नहीं था, क्योंकि वो कार की रिपेयर थी, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस हो गई है, इस वजह से डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी। रॉन्ग डेप्रिसिएशन आपने ऐड कर दी उसी ईयर में, और जिस ईयर में इसको एज अ रिपेयर माना गया, सॉरी एज अ व्हीकल माना गया, था रिपेयर लेकिन व्हीकल मान लिया। तो 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2023 मंथ, तो आपने 40,000 के ऊपर 3 मंथ की 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की 1,000, जिसको आपने ऐड कर दिया। और यही क्योंकि डेप्रिसिएशन कंटिन्यू चलेगी, तो इसी 40,000 के ऊपर 10% पूरे साल की डेप्रिसिएशन 2021 में भी चार्ज हुई है, तो उसको भी 4,000 को रॉन्ग डेप्रिसिएशन बोल के ऐड कर दिया। तो फर्स्ट एबनॉर्मल आपने प्लस कर दी, एबनॉर्मल लॉस प्लस होते हैं, तो 50,000 प्लस हो गया, 17 का था तो 17 में प्लस कर दिया। एबनॉर्मल गेन माइनस होते हैं तो माइनस कर दिया, और 18 में था तो 18 में माइनस कर दिया, और 19 में कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी रॉन्गली एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो वो एज इट इज ले लिया। और 2020 में जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा था, गलती से उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, उसको माइनस कर दिया क्योंकि एज अ रेवेन्यू है, और उसके ऊपर रॉन्गली डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, इस वजह से उसको प्लस कर दिया, और इसी डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर में भी आपने प्लस कर दिया। पर जिस ईयर ये खर्चा हुआ था उस साल उसकी 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, और नेक्स्ट ईयर में ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, और ये भी 2020 मतलब इस ईयर में इफेक्ट पड़ा, और वाज इन अंडर वैल्यूड। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, हमारी इनकम, इनकम क्या है, अंडर वैल्यूड, तो इसका मतलब इनकम क्या होनी चाहिए, प्लस करनी चाहिए, क्योंकि अंडर वैल्यूड है तो प्लस होनी चाहिए। और 2000 क्योंकि ये इस साल का क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये याद भी रख सकते हो कि पहले साल अगर प्लस हुई है तो अगले साल ये माइनस होगी, क्योंकि अगले साल का एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के बाद 36,000 प्लस 50,000, तो 86,000 का आपका प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ गया। 1,70,000 माइनस 30,000, 1,40,000 का 18 का प्रॉफिट आ गया। 1,90,000 एज इट इज ले लिया, और 2 लाख में से 40,000 माइनस किया, 1,000 प्लस किया, और 50,000 माइनस करने के बाद 2,11,000 आ गया। और 2021 में 3,50,000 में से 4,000 आपने रॉन्ग डेप्रिसिएशन पहले लेस हुई थी वो प्लस कर दी, और 50,000 का ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग अंडर वैल्यूड हो गया वो माइनस कर दिया, तो 3,04,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद है
इसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया सिंपल करने के लिए, और वेटेज हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, तो उसके बाद डब्ल्यू एक्स बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो वेटेज का, तो 86,000 इंटू 1, 1,14,000 इंटू 2, 1,19,000 इंटू 3, 2,11,000 इंटू 4, 3,04,000 इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट या टोटल प्रोडक्ट ऑफ द वेटेड प्रॉफिट आ गया आपका 33 लाख। अब बात आती है, हमें पूछा गया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता करना है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी सेम ही होता है सिंपल एवरेज के साथ। यहाँ पे भी हमने टोटल वेटेड प्रॉफिट लिया, मतलब टोटल प्रोडक्ट ले लिया मल्टीप्लाई करके, और टोटल वेट वहाँ पे हम नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4 काउंट करते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं करना, आपने इस वेट का टोटल लेना है, मतलब इसका टोटल लेना है, ठीक है, टोटल वेट। तो टोटल वेट है 15, और गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है आपने, जितना ये वेटेज आई है, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हमें स्टार्टिंग में दिए थे 2 ईयर परचेजेस है, तो पुट करते हैं वैल्यूज। पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, 33 लाख डिवाइड बाय 15, तो ये आ गया आपका 2,20,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय करके आपका 4,40,000 की गुडविल आ गई। तो ये है वेटेज एवरेज प्रॉफिट के साथ गुडविल करना। तो हमें यहाँ पे कैसे पता चला कि हमें वेटेज ही लगाना था, क्योंकि यहाँ पे देखो 36,000, फिर 1,70,000, 1,90,000, 2,00,000, 3,50,000, क्या है कि आपका प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है, इस वजह से वेटेज बेटर है एज कम्पेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैथड से। और यही अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी होता तब भी हम वेटेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते, क्योंकि ये करेक्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हर एक को वेटेज मिले कि जिस ईयर में जो प्रॉफिट ज़्यादा है उसको वेटेज भी ज़्यादा है। तो ये बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ट्रेंड वाइज अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, ठीक। तो इसी के साथ मैंने इसका कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कवर कर लिया, क्योंकि हमें पता कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड आते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट के साथ और एक सुपर प्रॉफिट के साथ, क्योंकि मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड करवा दिया, इसीलिए मैंने इसका कैपिटलाइजेशन मेथड भी इसी के साथ करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, टोटल एसेट है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, और एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5। इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट पहले से गिवन है क्वेश्चन में, अगर नहीं हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल, आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैपिटलाइजेशन मेथड में, एवरेज मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मतलब आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, माइनस नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपकी इस टाइम पे नेट एसेट कितनी की है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, यहाँ से तो हमें कहीं नहीं दिख रहा कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस दी हो, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे ढूंढनी है, हमें 2 चीज़ें गिवन है, हमें एक तो प्रॉफिट रेट पता है और हमें यहाँ पे प्रॉफिट पता है, हमें 2 चीज़ें पता है, एक रेट पता है और प्रॉफिट पता है। तो अगर मैं प्रॉफिट के जो ये 10% है इसको 100 upon rate कर दूँ तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 upon normal rate, ठीक है। तो 1 lakh का जैसे यहाँ पे पुट भी किया हो, 1 lakh का आपका एवरेज प्रॉफिट है और रेट 10% है, 100 upon 10 किया तो 10 lakh की आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा है नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट का भी एक फॉर्मूला होता है, तो ये 2 बेसिस पे होता है, एक एसेट अप्रोच और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, मतलब दोनों से कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि आपके ऊपर के आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट्स के अकॉर्डिंग, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ऑल एसेट में एक चीज याद रखने की, यहाँ पे आपने अदर देन, मतलब गुडविल नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेने, आपने बाकी सारे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट लेनी है, लेकिन आपने गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेने, ठीक है, और माइनस करनी आउटसाइड करंट लायबिलिटीज वगैरह जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। जब यहाँ पे ऑल एसेट वर्ड यूज करते हैं तो इसको एसेट साइड अप्रोच बोलते हैं, मतलब आप एसेट की साइड को लेके अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे पहुंच रहे हो, लेकिन अगर लायबिलिटी साइड से अप्रोच से करना है तो जो छूट गया यहाँ पे कैपिटल नहीं ली और रिजर्व भी लिए, तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस जो चीज़ यहाँ पे नहीं लेनी है वो यहाँ से माइनस हो जाएगी अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो।
कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, एसेट अप्रोच में हमने क्या किया, हमने गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस को छोड़ के सारी एसेट ली और उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी। और लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल प्लस रिजर्व करी। कैपिटल दोनों तरह की करंट भी हो सकती है और सिंपल फिक्स्ड वाली करंट कैपिटल भी हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग और दोनों। ठीक है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व और जो चीज़ें यहाँ पे छोड़ी हैं वो चीज़ें यहाँ से माइनस हो जाएंगी। तो ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है। आपको क्वेश्चन में जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है वैसे ही आपने क्वेश्चन को मोल्ड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सी है। यहाँ पे हमें टोटल एसेट है, मतलब हमें एसेट साइड अप्रोच लगानी है। तो यहाँ पे गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल मतलब हमारी जो एसेट हमें चाहिए वही गिवन है। टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। तो हमारी गुडविल सॉरी टोटल एसेट है 10 लाख की और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 1,80,000 की, माइनस किया 8,20,000। तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया, हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू भी आ गया ऑफ द बिजनेस और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया 8,20,000, माइनस करा तो गुडविल आ गया। तो ये आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट के वेटेड और कैपिटलाइज मेथड दोनों कवर होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और कल ये इसका लास्ट ही टॉपिक होगा आई थिंक। तो इफ़ यू लाइक आर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।